सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक सीए इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपकी एक दिन पहले की एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो किस हिसाब से होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे ये उम्मीद लेके आए कि मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितने टाइम में पढ़ना चाहिए, तो मैं वो सब नहीं बताऊँगी। लेकिन आप अपना प्लान क्या क्या दिमाग में रखते हुए बताएं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में बता दूंगी। और मैं बिल्कुल प्रॉपर क्यों नहीं बता रही हूँ आपको, इसका जो रीज़न है वो भी मैं बताने वाली हूँ। देखो, सभी की सिचुएशंस जो है वो अलग हैं, सभी ने जो चैप्टर्स करे हैं वो अलग हैं, और जिस तरीके से उसको करें वो भी अलग है। अगर मैं आपको बताऊँगी कि ये चैप्टर इतने टाइम में होना चाहिए और आपको अगर उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो ऑफकोर्स आपको एक डीमोटिवेशन से आएगा कि यार मुझे इतना टाइम लग गया, अब तो मेरा क्या होगा। तो ऑफकोर्स आपको अपने हिसाब से जितना भी कोर्स आपने करा है उस हिसाब से जो है अपनी एक दिन की जो पहले की स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करनी है। और वो कैसी होनी चाहिए ये सुनो। सबसे पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ भी नया नहीं करना है। अगर आपने वो चीज़ कभी नहीं पढ़ी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी कि वो डेफिनेटली आएगी ही आएगी, इस सिचुएशन में आप रिस्क लेकर कर सकते हैं। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से कोई होती ही नहीं है जो हमें पहले नहीं पता और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता पड़ रही है कि ये तो आने ही वाली है, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ भी नया नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इससे क्या होगा, ऑलरेडी हमने जो पहले करा है वो इतना है कि उसका एक दिन में रिविज़न हो जाए ना, वो बहुत ही, मतलब ऐसा है कि नामुमकिन जैसा है, पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आप नई चीज़ें भी कर रहे हो, मतलब आपने जो पुरानी चीज़ें कर रखी है वो अब आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, तो आपने उसके लिए जितनी भी पहले मेहनत करी है वो सब वेस्ट हो जानी है। तो कोई भी नई चीज़ हमें नहीं करनी है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना भी आपने पहले करा है अगर उसका रिविज़न आपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं करा तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, 0% यूज़ हो जाएगा वो, क्योंकि आपको पता है कि अगर इतने दिन पहले वो चीज़ करी हुई है और अगर आप उसको एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर पाए तो वो कोई मतलब की नहीं रह जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आपको वो मटेरियल छांटना है जो कि आपने करा है, और जो नहीं करा है वो ठीक है, ये बात मैं कर रही हूँ अभी अभी बैठकर आपको ये प्लान बनाना पड़ेगा उस दिन के लिए। हम क्या करते हैं अधिकतर, कहाँ तक का प्लान बनाते हैं, एग्जाम से पहले तक का, पर जो सबसे ज़रूरी प्लान होता है ना वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले का ही होता है, क्योंकि अभी तक का प्लान हम नहीं भी बनाएंगे ना तो भी हम पढ़ ही लेंगे। लेकिन जो लास्ट डे का प्लान रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो 50% सिर्फ एकमात्र उस दिन पे डिपेंड करता है। तो उस दिन का एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अभी तक जितना भी करा है आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको ज़रूर रिवाइज करके जाए। उसके बाद आपको क्या बातें दिमाग में रखनी है कि आपको जो है पढ़ना है और उसके साथ साथ नींद भी प्रॉपर टाइम पर लेना है। फिर हमारी एग्ज़ाम जो रहती है वो 2 बजे तक रहती है, तो मैं 1 बजे जो रहती है अपने घर से निकलती थी। आप जितने भी बजे निकलो, पर जब भी हम घर से निकले ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लास्ट टाइम तक बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ी देर पहले, आधा पौन घंटा पहले आप एटलीस्ट रिलैक्स हो जाओ कि अब जितना होना था हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है। लास्ट टाइम तक जब आप पढ़ते हो ना तब आपके दिमाग पे एक प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, और फिर वो नर्वसनेस जो है एग्ज़ाम में भी मेंटेन रहती है, तो वो नहीं करना है। बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना है। तो जो भी है, सुबह आप अगर मतलब रात को देर तक पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ रहे हैं 6 घंटे की नींद लीजिए, और एग्ज़ाम से आधे 1 घंटे पहले कम से कम पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना कि अब नहीं, बस बुक्स बंद कर दी, जो होगा सीधा एग्ज़ाम के टाइम पर ही देखूंगा अब तो। उसके बाद फिर आपने जितनी भी जो टिप्स छोटी छोटी हम बनाते हैं, जैसे थ्योरी वगैरह के लेकर आपने कोई एक्रोनिम्स वगैरह बनाया, फिर जो भी बनाई है, तो वो चीज़ें हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले कई बार भूल जाते हैं, हमने इधर उधर लिखी भी रहती है। तो अगर आप अभी उसको प्लान कर रहे हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि अच्छा वो भी पढ़ना रहेगा, लास्ट टाइम पर वो भी पढ़ना रहेगा। तो उसको एक प्रॉपर टाइम अलोकेट करना कि इसको मैं इतना टाइम दूंगा। आपको पता है कि आप कितने टाइम में क्या पढ़ सकते हो, इतने टाइम आपको ऑफकोर्स पता चल गया होगा, तो उस हिसाब से बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको अपना शेड्यूल फिक्स करना है। लेकिन वो इतना भी वो नहीं हो कि उसमें आधे 1 घंटे का मार्जिन भी नहीं हो, क्योंकि हम जो प्लान करेंगे उसमें ऑफकोर्स आधा 1 घंटा ऊपर होगा, ह्यूमन बिहेवियर है, राइट। तो उस जो शेड्यूल आपका उसमें ये जो है टाइम मार्जिन का थोड़ा बहुत होना चाहिए एडजस्ट, यानी कि हमें अपना प्लान जो है वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट ना करना पड़े, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर कुछ भी नहीं रहेगा, सीधा एग्जाम रहेगी, राइट। अब आपको मिलता है 1.5 दिन, 5 बजे मेरी एग्ज़ाम ओवर हो जाती, 5:30 से 6 बजे मैं घर आ जाती थी, उसके बाद मैं सिर्फ 1 घंटा मैं सो जाती थी, फिर खाना वाना खा के पढ़ाई करने बैठती थी मैं 7:30 बजे तक मैक्स।
तो आपको जो है बस इतना टाइम बहुत हो गया, 1.5-2 घंटे का आपका ब्रेक हो गया, बहुत है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। घर पे आकर वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है बुक में से कि आपने जो आंसर वहाँ पे लिखा है वो सही है गलत, बिल्कुल नहीं करना है ये चीज़। तो जो भी है हो गया वहाँ पर, सो जाओ 1 घंटा बिंदास आके, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। नहीं सोना है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा जो भी आप करना चाहते हो वो कर लो, और उसके बाद जो है खाना वाना खा के फिर पढ़ने बैठो, फिर सालंग जो है पढ़ो। उस टाइम पर आप एटलीस्ट कोशिश करो कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ो, बिल्कुल उस टाइम पर सोशल मीडिया वगैरह सबसे दूर रहना, क्योंकि ये जब जो चीज़ें हैं ना ये हमारे माइंड को मतलब गलत तरीके से भी कभी कभार अफेक्ट कर जाती है। तो हमको ये सारे डिस्ट्रैक्शन से एटलीस्ट जो एग्जाम टाइम है उस पर से दूर रहना चाहिए। तो बस इतना है कि प्रॉपर जो प्लान है अपना वो उस हिसाब से बना लो, और इतना भी लोड मत लेना कि तुम्हारा जो खाने का टाइम है वो तुमने बिल्कुल 10 मिनट रख दिया है। पॉसिबल नहीं है, खाने का जो टाइम है सुबह का शाम का आधा आधा घंटा एटलीस्ट दो अपने आपको। बिल्कुल ऐसा है कि एग्जाम है अगले दिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है, आपको सोना है 6 घंटे तो सोना है, आधा घंटा लंच के लिए चाहिएगा, आधा घंटा डिनर के लिए चाहिएगा। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल मत बनाना कि आप उसे फॉलो ही नहीं कर पाए। एग्जाम के एक दिन, देखो अगर आपने पूरे साल भर पढ़ा है तो एग्जाम के एक दिन पहले भी कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? पूरा पढ़ा है तो तब भी पढ़ लोगे, थोड़ा तो हो जाएगा। और अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो भी एक दिन पहले कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो वो जो एक दिन है वो इम्पोर्टेंट है, पर इतना उसको हेक्टिक मत बनाओ, इतना नर्वस मत करो अपने आप को कि तुम बिल्कुल जैसे सब चीज़ें भूल ही जाओ। जो है वो इम्पोर्टेंट काम वो तो करने ही पड़ेंगे ना उन दिनों भी। तो बस यही बोलना था कि जो भी है एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और एग्ज़ाम दो, और मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस मत हो एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है? छोटी सी चीज़ है हमारी लाइफ की, बड़ी भी है वैसे, पर मानो तो बड़ी है मानो तो छोटी है, तो छोटी ही मान के चलो। बहुत ज़्यादा लोड मत लो, हो जाएगी एग्ज़ाम, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार हो गई एग्ज़ाम मतलब बस। तो जितना भी है अपनी तरफ से 100% दे दो, फिर ये चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या आएगा। आप अपनी तरफ से 100% दे दो, यानी कि बाद में आपको रिग्रेट नहीं हो एटलीस्ट कि यार हमने हमारी तरफ से कोई कमी रह गई थी। तो बस इतना बोलना चाहूँगी, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।